हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक फटाफट रिवीजन कराना चाहता हूँ। याद होगा आपको बच्चों, हमने बात करी थी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कॉन्सेप्ट की, जब हम आपको रेनबो पढ़ा रहे थे। क्लास नीचे दी हुई, जिन बच्चों ने क्लास नहीं करी मैं बार बार बोलता हूँ, प्लीज पहले क्लास करें फिर एग्जाम्पल की वीडियो देखें, ठीक है। हाँ, तो देखो बच्चों, यहाँ पर क्या होता था, ये डेंसर मीडियम है मान लीजिए, तो ये डेंसर मीडियम है N2, ये मीडियम सेकंड है सपोज, ये मीडियम वन है, ठीक। तो यानी कि N2 क्या, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 और N1 रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। मान लीजिए कि बच्चों वाटर से, ये वाटर है, ये मीडियम 2 क्या है आपका, वाटर है, और यहाँ पर क्या है, एयर है। तो वाटर की जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है वो एयर से ज़्यादा होता है, यानी कि यहाँ पर N2 इज ग्रेटर देन वॉट, N1, ठीक। तो लाइट रे जब डेंसर मीडियम से कहाँ जाती थी, रेयरर मीडियम में, याद है। तो देखिए ये लाइट रे हम डेंसर मीडियम से, ये देखिए एक लाइट रे हम ले गए, यहाँ पे हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है लेट अस से θ1, ठीक। तो जब ये डेंसर से रेयरर जाएगी तो क्या होती थी, अवे द नॉर्मल होती थी, ये जाना ऐसे स्ट्रेट चाहिए था, बट ये नॉर्मल से अवे हो जाएगी ऐसे, ठीक है। तो ये हम लोग को पता है। फिर क्या किया था हमने, याद होगा बच्चों, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसको हम बढ़ाते जाते थे, ठीक है। अभी ये आपने कितना रखा है, θ1 से और इसको बड़ा करिए। जैसे आप इसको θ1 से और बड़ा करेंगे, यहीं पे मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। ये रे नंबर वन है, ये देखिए इंसिडेंट वन और ये क्या है, रिफ्रेक्टेड वन, ठीक। अगर आप θ1 से एंगल और बढ़ा दें, एंगल ऑफ इंसिडेंस θ1 से अगर बढ़ा दें, लेट अस से कितना कर दें θ2, ठीक है। तो जो रे आएगी, ये देखिए, ये बच्चों इंसिडेंट रे नंबर 2 है, ठीक। ये अवे द नॉर्मल होगी और ये आपको यहाँ कहीं मिलेगी, ठीक, ये ऐसे। तो यहाँ पे रिफ्रेक्टेड 2 मिल गई। इसी तरीके से इंसिडेंट एंगल को अगर हम और बढ़ा दें, ठीक, तो रिफ्रेक्टेड रे 3 हमें यहाँ मिलेगी। ऐसे करते 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 एक पर्टिकुलर एंगल यहाँ पर इस तरीके का आता है कि जिस एंगल पे ये रिफ्रेक्टेड रे अलोंग द सर्फेस हो जाती है, उस एंगल को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, ठीक है ना। तो आपको याद होगा, देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ क्रिटिकल एंगल की कंडीशन, ठीक है। ये आपका मान लीजिए पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है ये, और यहाँ हम, ये नॉर्मल हमने आपको दिखा दिया है। अब ये इंसिडेंस रे बच्चों, सपोज ये आई आपकी, ये वाली इंसिडेंस है, ठीक, आई, ये वाला जो एंगल है इसको हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। इस स्पेशल एंगल पे, इस स्पेशल इंसिडेंस ऑफ एंगल पे क्या होता था, रे सेकेंड मीडियम में जब जाती थी तो वो रिफ्रेक्ट नहीं होती थी, वो अलोंग द सर्फेस आ जाती थी। देखो ऐसे मुड़ते मुड़ते, जैसे जितना ज़्यादा आप इसको एंगल को बढ़ा रहे हो एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये ऐसे अवे द नॉर्मल हो रहा है, अवे द नॉर्मल होते 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 ये अलोंग द इंटरफेस हो जाएगा। ये जो इंटरफेस है, जो किसको अलग कर रहा है, वाटर और एयर को। तो अब ये रे ऐसे जाएगी, अलोंग द रिफ्रेक्टेड रे अलोंग द सर्फेस, ये ऐसे, ठीक, अलोंग द इंटरफेस जाएगी। अब आपने जैसे ही क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा एंगल और बढ़ाया तो ये रे जो है बच्चों ये यहाँ आ जाएगी। तो कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी, देखिए बच्चों ज़रा, ये थर्ड कंडीशन आपकी यहीं पे दिखा दे रहे हैं। तो मान लीजिए क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा आपने एंगल ज़्यादा रखा, तो ये देखिए इस इंसिडेंस रे को देखिए, सपोज इसको आपने I3 बोला, ठीक, ये इंसिडेंस रे है बच्चों, इंसिडेंट रे, और ये अब अलोंग द सर्फेस ना होगी क्योंकि लगातार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे घूम रही है, ठीक है। जब क्रिटिकल एंगल था तो इसने क्या किया, इसने नॉर्मल से कितना बना दिया, 90 डिग्री, ठीक। अब ये वापस इसी मीडियम में आ जाएगी, N2 में, ठीक है, ये ऐसे, ये आपकी रिफ्रेक्टेड 3 होगी। पसंद में कि नहीं है, ठीक है। तो इस फिनोमेना को हम क्या बोलते थे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब कि जो रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही थी अब रेयरर में गई ही नहीं। तो क्रिटिकल एंगल एक स्पेशल एंगल होता है जब हमारी रिफ्रेक्टेड रे अलोंग द सरफेस हो जाती है, और एंगल अगर आपने किससे ज़्यादा कर दिया, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा कर दिया, तो रे हमारी सेकेंड मीडियम में, रेयरर मीडियम में नहीं जाती है, डेंसर मीडियम में ही आ जाती है। ऐसा लगता है कि यहाँ से रे गई और दूसरे मीडियम में गई नहीं, फिसल के इसी मीडियम में आ गई, टकरा के इसी मीडियम में आ गई। देखने से ऐसा लगता है कि मान लो क्या हो रहा हो, रिफ्लेक्शन हो रहा हो। तो इस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते थे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। और यहाँ पर जो एनर्जी होती है उसका लॉस नहीं होता था, जितनी एनर्जी इंसिडेंट रे के पास है उतनी ही रिफ्लेक्टेड रे के पास है, ठीक है, क्योंकि ये जस्ट यहाँ से ऐसे स्लिप करके आ जाती है, ऐसा लगता है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं हुआ है, सब हमने क्लास में डिटेल करा हुआ है, ठीक है। तो जब हमने क्लास में बच्चों आपको पढ़ाया था रेनबो, तो वहाँ हमने आपको बताया था 3 तरीके के फिनोमेना वहाँ इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन सा, याद करिए कौन कौन सा वहाँ होता था। एक तो रिफ्रेक्शन, ये तो सबको पता है, ठीक है, रिफ्रेक्शन तो होता ही था रेनबो में,
तो सबको पता है। उसके बाद हमने बताया था डिस्पर्शन भी रेनबो में होता है, ठीक है। डिस्पर्शन मतलब जो वाइट कलर का लाइट है वो सेवन पार्ट्स में आपको दिखाई देने लगता है, सेवन पार्ट्स में डिस्पर्स हो जाता है, ठीक है, डिस्पर्शन होता था। और तीसरा बच्चों हमने आपको पढ़ाया था क्या, TIR यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जिन्होंने रेनबो नहीं पढ़ा है प्लीज रेनबो की क्लास करें बच्चों, उसका मैकेनिज्म आपको आना चाहिए, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी हमने आपको वहां पर बताया था, ठीक है। तो बच्चों यही तो क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना ऑफ द लाइट आर इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग फॉर्मेशन इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। रेनबो फॉर्मेशन में कौन से फिनोमेना अकर करते हैं, रिफ्लेक्शन नहीं होता बच्चों, नो। जब रेनबो हमने आपको पढ़ाया था रिफ्लेक्शन वहां पे आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। रिफ्लेक्शन तो मिरर वगैरह में देखने को मिलता है ना, तो रेनबो में तो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं। वो वाटर ड्रॉपलेट्स कैसा काम करती हैं, छोटे छोटे प्रिज्म जैसा काम करती हैं, मतलब डिस्पर्शन भी देखने को मिलेगा, रिफ्रेक्शन भी देखने को मिलेगा, क्योंकि एयर से, जैसे ये वाटर ड्रॉपलेट है बच्चों, तो एयर से एक बार लाइट कहाँ जाएगी, ड्रॉप में, और ड्रॉप से फिर जब वापस एयर में आएगी तो एक बार यहाँ रिफ्रेक्शन होगा, एक बार यहाँ रिफ्रेक्शन होगा, ठीक है। और यहाँ डिस्पर्शन भी होता था, याद है आपको, हाँ, लाइट ये सेवन पार्ट्स में ऐसे डिवाइड हो जाती थी, और यहाँ पर क्या होता था, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता था, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होगा बच्चों, बताइए। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तब होगा जब हमारी इंसिडेंट रे जो होगी वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पे आएगी, ठीक है। बहुत बढ़िया बात, ये तो हमने आपको क्लास में बताया था। तो रेनबो में बच्चों अगर ऑप्शन में आपको ये तीन ऑप्शन दिए हों, रिफ्रेक्शन, डिस्पर्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तब तो आप इस पर टिक करोगे। लेकिन इसी के कॉम्पिटिशन में आपको एक और ऑप्शन दिया रहता है, क्या, रिफ्रेक्शन, डिस्पर्शन, यहां तक तो ठीक है। देखिए, एक तो या तो ये ऑप्शन दिया रहेगा, और या तो आपको दिया रहेगा रिफ्रेक्शन, ठीक है, डिस्पर्शन, ठीक, और अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं दिया रहेगा, ओनली क्या लिखा रहेगा आपके एग्जाम में, इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो बच्चों आंसर दोनों सही है, लेकिन इन दोनों के कंपटीशन में हम इस पे टिक लगाएंगे, रिफ्रेक्शन, डिस्पर्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन पे, टोटल वाले पे नहीं लगाएंगे। उसका कारण हम आपको बता देते हैं। देखिए बच्चों, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब ये है कि जैसे यहां से जो लाइट रेज आ रही है वो टोटल, उनका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया है, मतलब समझो, मतलब जितनी भी रेज आ रही हैं सभी ने इस कंडीशन को फॉलो कर दिया है, किसको, कि उनका इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। तो वो यहां पे देखिए, ये वाले इंटरफेस पे देखिए, ये वाले इंटरफेस पे, यहां वाटर है, इधर वाटर है, और उधर क्या है, एयर है, ठीक। तो क्या जरूरी कि सारी रेज इस कंडीशन को फॉलो करने जितनी भी आ रही है, तो जवाब है नहीं, सारी रेज इस कंडीशन को फॉलो नहीं करेंगी। हाँ भाई, कुछ रेज होंगी जो इस कंडीशन को फॉलो करेंगी, मतलब ये वाले इंटरफेस पे, वाटर और एयर के इंटरफेस पे कुछ रेज ऐसी होंगी जिनका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा, तो उनका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, यानी कि वो वाटर से एयर में जाएंगी नहीं, और इसी मीडियम में ऐसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन उनका हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बच्चों यहां पे हम इंटरनल रिफ्लेक्शन पे इसलिए टिक लगाएंगे, टोटल वाले पे इसलिए नहीं लगाएंगे, बिकॉज यहां से तो बहुत सारी रेज आ रही है बच्चों, यहां से तो बहुत सारी रेज आ रही है, और बहुत सारी इंसिडेंट रेज जो यहां से आ रही है, यहां पर एक बार उसका रिफ्लेक्शन होगा, फिर उनका यहां पर डिस्पर्शन होगा, और जब यहां पे बारी आएगी उनकी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, तो कुछ रेज का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा और कुछ का नहीं होगा। बात समझ में आई, क्यों, क्योंकि कुछ रेज ऐसी होंगी जिनका एंगल ऑफ इंसिडेंस सी से, यानी कि क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा, कुछ का एंगल ऑफ इंसिडेंस सी से बड़ा नहीं होगा, सी से छोटा होगा, तो वो रिफ्रेक्टेड हो जाएंगी, यानी कि वो दूसरे मीडियम में यहाँ पे बाहर निकल जाएंगी, ठीक है ना। तो यहाँ एनर्जी का देखिए लॉस भी हो गया, कुछ रेज बाहर निकल गई, तो टोटल जितनी एनर्जी आई थी उतनी हमको यहाँ रिफ्लेक्ट होकर नहीं मिली, प्लस कुछ रेज ऐसी भी होंगी स्टूडेंट्स जिनका एंगल ऑफ इंसिडेंस जस्ट इक्वल होगा किसके, क्रिटिकल एंगल के, वो तो अलॉन्ग द इंटरफेस आ जाएंगी ऐसे, ये देखिए अलॉन्ग द इंटरफेस होकर ऐसे निकल जाएगी कहीं बाहर, ठीक है ना। तो इसलिए अगर ऑप्शन में आपको रिफ्रेक्शन, डिस्पर्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही दिया है केवल, तब तो ये ऑप्शन सही है, लेकिन इसके कंपटीशन में अगर आपको रिफ्रेक्शन, डिस्पर्शन और इंटरनल रिफ्लेक्शन दिया है, तो मैं किसको चूज करूंगा, इंटरनल रिफ्लेक्शन वाले को चूज करूंगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, तो आइए देखिए, यही हमको कंफ्यूज किया गया यहां पर बच्चों, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए तो हो नहीं सकता, यहां इन्होंने रिफ्लेक्शन की बात कर दी, वो तो मैंने आपको बताया मिरर वगैरह में होता है, ऐसा तो हो नहीं सकता। उसके बाद पार्ट बी में देखिए, रिफ्रेक्शन, डिस्पर्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब देखिए ये मुझे ऑप्शन सही लग रहा है, लेकिन देखना है मुझे कि भाई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कंपटीशन में कहीं इंटरनल रिफ्लेक्शन तो नहीं दिया है। हाँ दिया हुआ है, देखिए सी, रिफ्रेक्शन
डिस्पर्शन एंड इंटरनल रिफ्रेक्शन, तो ऑप्शन सी पे मैं टिक कर दूंगा बस में। लेकिन बच्चों मान लीजिए कि ये सी वाला दिया ही नहीं होता आपको, तो हम लोग बी वाले को चूज कर लेते हैं, हमें मार्क्स मिल जाते हैं। या फिर आपसे कोई ये बोलता है एग्जाम में, मान लीजिए टिक मार्क में नहीं आता ये, आपसे कोई बोलता है कि भाई ये बताइए कि रेनबो में कौन से फिनोमेना अकर करते हैं, उनका नाम लिखिए, तो उनका नाम बच्चों अगर आपने ये लिख दिया ना, रिफ्रेक्शन डिस्पर्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्रेक्शन, तब भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। लेकिन जब आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो उसमें आपको बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये बच्चों चला गया, रीजन हमने आपको बता दिया, कुछ रेस फॉलो कर रही होंगी, कुछ रेस नहीं फॉलो कर रही होंगी इस कंडीशन को, ठीक है। उसके बाद कह रहा है डिस्पर्शन स्कैटरिंग, बच्चों डिस्पर्शन तक तो सही था, टोटल इंटरनल रिफ्रेक्शन भी चलो हम मान गए सही था, ये स्कैटरिंग की वजह से फेल हो गया है ना। स्कैटरिंग की वजह से क्यों फेल हो गया? स्कैटरिंग तो आपने पढ़ा है, स्कैटरिंग की वजह से तो आसमान जो है वो आपका स्काई कैसा दिखाई पड़ता है, ब्लू ब्लू कलर की लाइट जो है स्कैटर्ड हो जाती है, आपने पढ़ा। तो यहाँ स्कैटरिंग थोड़ी ना होती कलर की, यहाँ तो डिस्पर्शन होता है, ठीक है। दोनों बातों में डिफरेंस है, हमने क्लास में आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 5th को अटेम्प्ट करेंगे। ओके कर लीजिए।